छात्रों को सीएम ने सम्मानित किया, छात्रों को टेबलेट और चेक बांटे गया और इस दौरान सीएम योगी ने परीक्षा के पैटर्न और नकल विहीन परीक्षा को लेकर चर्चा की। परीक्षा का मतलब छात्र छात्रा को परेशान करना नहीं होना चाहिए, उनके मूल्यांकन का एक सामान्य मूल्यांकन का एक आधार होना चाहिए। मूल्यांकन का आधार प्रताड़ना से नहीं, उसकी क्षमता उसकी योग्यता को एक सामान्य परिस्थिति में हम तोल करके देख सकते हैं और परिणाम हमारे सामने आएगा। लेकिन सबसे पहली शर्त नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए, उसमें पारदर्शिता भी होनी चाहिए, उसमें स्वच्छता भी होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न पत्र एक सामान्य प्रकृति का होना चाहिए जो उसका मूल्यांकन कर सके, इतना कठिन न हो कि जो परीक्षक है उसको स्वयं उसका उत्तर न आता हो। धीरे धीरे करके सुधार होता गया, नकल बंद होती गई और मैंने पहले दिन इस बात को कहा था, अगर नकल कहीं सामूहिक रूप से हो रही है केंद्र दीवार होगा, लेकिन छात्र के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे। विद्यालय के प्रबंधक या विद्यालय के प्रधानाचार्य, व्यवस्थापक, जिला विद्यालय निरीक्षक, ये सब इसके लिए जिम्मेदार होंगे और उसमें बहुत सख्त कार्रवाई हमें करनी पड़ी थी। नकल या तो इस बात का द्योतक होता है कि हमने समय पे ध्यान नहीं दिया, दूसरा जो छात्र मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत पर डकैती डालने का एक प्रयास होता है, दूसरे हक को जबरन छीनने का प्रयास होता है, अन्य लोगों को भी अनैतिक तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करता है और अंततः हम व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए नकल विहीन परीक्षा साफ सुथरे माहौल में हो, एक उन्मुक्त और भयमुक्त वातावरण में हो, लेकिन समय से हो। और मैं इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त किया, 15 दिन के अंदर परीक्षा, 14 दिन के अंदर परिणाम। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी, दो दिनों के अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम, तो सरयू किनारे बने